नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से एक बार महा एक्सपेरिमेंट के एक नए वीडियो में। मैं हूं आपका दोस्त सुनील। दोस्तों, जैसे कि आपने लास्ट वीडियो देखा होगा जिसमें हमने जस्ट की एक ताब बनाई है जिसमें संख्या, हड़ताल, हरकशिश और सिंगरप ये हमने जस्ते के ऊपर मार मार के उसको भस्म किया था और उसको एक पुट दी थी 10 किलो की। उसी के आगे का ये वीडियो है, उस ताब में हम अब गोली पका के देखने वाले हैं। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों, जैसे कि पारे की गोली तो सभी बांध लेते हैं, ये मैंने टेस्ट ट्यूब में जो हम चांदी भूखी करते हैं उसमें पारा पकाते हैं इसके ज़रिए ये गोली बांधी है। इसको मैं ये नींबू के रस में छोड़ देता हूँ, इसको 24 घंटे के बाद ये गोली ठोस हो जाती है। बाद में ये दूसरी एक गोली है मेरे पास जो नीले तोते से बांधी हुई है। अब दोनों गोली हम एक ही दाब में पकड़ के देखने वाले हैं। तो इसका वज़न कर लेते हैं, तो ये 9 ग्राम मतलब 10 ग्राम है, एक में 100 मिलीग्राम कुछ तो भी कम है तो कोई बात नहीं। ये 11 ग्राम ये भी 12 ही ग्राम के आसपास है, 700 मिली इसको भी कम है। तो बेसिकली अब ये दोनों गोलियाँ अलग अलग हम पका के नहीं देखेंगे, एक ही दाब में ये डाल देंगे और देखेंगे कि इसका क्या रिज़ल्ट आता है। सबसे पहले जो दाब है, जो जस्ते की दाब हमने बनाई है, एक छोटी मटकी लेके उसमें हम डालेंगे। बेसिकली जो आधी दाब है वो नीचे डालेंगे हम और उसको अच्छे से दबा के एक उंगुल से उसमें दबा के हम जो गोलियाँ हमने बनाई हैं उसमें उसको डाल के ऊपर आधी दाब जो है डाल के उसको अच्छे से दबा के, चाहे तो कपड़ मिट्टी कर सकते हैं, वैसे मैं एमसील का प्रयोग करूंगा यहाँ पे क्योंकि एमसील से लीक नहीं करता। बाद में इसको हम एकदम टेम्परेचर मेंटेन करके इसको पकाएंगे, वीडियो में देखेंगे आप। तो काफ़ी दिन हो गए ना, कि लगभग 15 दिन हो गए उसके बाद वीडियो डाल रहा हूँ। एक्चुअली हमारे घर में एक डेथ हो गई थी, एक सदस्य जो हमारे मतलब काका जी हैं तो चले गए होली के दिन, तो इसलिए मैं वीडियो नहीं बना पाया, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। तो सबसे पहले ये जो दाब हमने इसमें डाली है इसको प्रेस कर लेते हैं अच्छे से। और दाब का कोई वज़न तो मैंने नहीं किया है, खैर ऐसे ही अंदाजे उसको डाल दिया है। यहाँ पे वज़न करना कोई मैटर नहीं करेगा क्योंकि जो ये मेटल की दाब है, बेसिकली जस्ते की जो दाब है ना। और इसमें से मैंने सुना है कि गोली अच्छे से पक के आती है, अब देखते हैं करके और जो भी रिज़ल्ट रहेगा आप लोगों के ही सामने रहेगा पूरा। अब जब तक कि करके नहीं देखेंगे ना वो पता नहीं चलता। ऐसे तो फॉर्मूले बोलने वाले बहुत बोल देते हैं, करते हैं तो तब पता चलता है, दूध का दूध पानी का पानी तब होता है। क्योंकि ऐसे तो हज़ारों नुस्खे हैं, हज़ारों नहीं लाखों है, किताबें भी भरी पड़ी है लेकिन एक भी सही से वर्क नहीं करता। यदि हमारी गोली किसी तरह से पक जाती है तो फिर बढ़िया रहता है, फिर आगे हम उसको चाल आगे काफ़ी सारी चालें रहती है। तो देखिए मैंने इसको दबा दिया है, अब ये जो गोली है चांदी की सबसे पहले इसमें मैं दबा देता हूँ और दूसरी जो गोली है उसी के बाजू में हम जगह करके थोड़ी सी एक दो ऐसा कुछ सेंटीमीटर लग के उसके बाजू में दबा देंगे। थोड़ा सा इसको सरका लेते हैं इधर, क्योंकि ये जो मटकी है ये थोड़ी छोटी हो गई, फिर भी क्योंकि जो हमारी दाब है वो 400 ग्राम को भी कम थी तो इसलिए मैंने जो मटकी है वो छोटी ली है। और बाकी जो दाब है उसके ऊपर मैं दबा देता हूँ अच्छे से डाल के, उसको प्रेस कर लेता हूँ। ठीक है, ये जो दाब है हम जो भी कोई भी दाब ऑक्साइड नहीं होना चाहिए, ऑक्साइड जब होती है तो काम नहीं करती, जब बंद करके पुट देते हैं तो जो दाब बनती है या जो भी कोई चीज़ हम बनाते हैं तो उसको हवा से बचा के रखना होता है, जैसे कि एयर टाइट कंटेनर में रखेंगे तो अच्छा रहेगा। तो ठीक है, इसको दबा दिया है, अब एक
ऊपर से मिट्टी का ही ढकना दे देंगे इसको, थोड़ा और डाल देते हैं, थोड़ा और बैठता है इसमें तो डाल देते हैं। फिर देखेंगे जो पूरा इसको हमने, हम लोगों को अभी पकाना है 72 आवर्स यानी 72 घंटा इसको पकाना है, तो काफ़ी लंबा चौड़ा टाइम है इसको। तो आग भी कैसे देनी है वो भी आपको मैं आगे दिखाऊंगा। तो ठीक है, अच्छे से इसको दबा दिया है। अब इसको अच्छे से दबा के एक ऊपर से मिट्टी का ही ढकना देके इस तरह से इसको फिर हम एम सील से इसका मुंह बंद कर देंगे, यानी कि इसको मुख मुद्रा बोलते हैं, तो वो कर लेंगे। आप चाहे तो कपड़ मिट्टी कर सकते हैं, लेकिन कपड़ मिट्टी से ये भी ठीक है, ज़्यादा आग देनी रहती है तो फिर कपड़ मिट्टी करना भी वो भी सही होता है, क्योंकि एमसील जो है वो ज़्यादा हीट में दम नहीं मारता, वो निकल जाता है। ये लगा के इसको सूखने के लिए 2 घंटे के बाद ये इस तरह से कड़क हो गया। अब इसको हम रखेंगे हीटिंग मेंटल में। अच्छा, मैंने इसको हीटिंग मेंटल में रखा है, और हीटिंग मेंटल में रख के जो सबसे पहले हम इसको ऑन करेंगे, और 20 सेल्सियस पे इसका जो टेम्परेचर है वो रखेंगे। सेल्सियस नहीं बोल सकते इसको, 20 पे रखना है बस, क्योंकि वो टेम्परेचर जो है वो एग्जैक्टली ज़्यादा ही रहता है जब हम उसको थर्मामीटर लगा के देखेंगे ना, तो आप देखेंगे कि वो ज़्यादा रहता है। तो मैंने बेसिकली 3 बजे ये चालू किया है, अब हर 12 घंटे बाद इसको हम थोड़ा थोड़ा बढ़ाते जाएंगे, 10 सेल्सियस से बढ़ाते जाएंगे। तो अभी मेरे ख्याल से इसमें बढ़ाना सही रहेगा, क्योंकि 12 घंटे कंप्लीट हो चुके हैं, तो 12-12 घंटे में, हर 12 घंटे में हमें इसका टेम्परेचर एक एक 10-10 सेल्सियस से बढ़ाना है, 10-10 से बढ़ाना है। ठीक है, अब जैसे कि हम इसको ये थर्मामीटर से चेक करेंगे तो देख पाएंगे, देखिए अभी जो टेम्परेचर है वो 92, 96, 70 वेरी कर रहा है, वो अंदर का ज़्यादा है। तो जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे तो और बढ़ता जाएगा, और अभी 40 पे कर देते हैं। हर 12 घंटे के बाद मैं इसका टेम्परेचर बढ़ा रहा हूँ, और जो कि ये हीटिंग मेंटल में है, अगर आप उपले की आग देते हैं या फिर रेत यंत्र पे रखते हैं तो फिर वो भी टेम्परेचर अलग रहेगा, उसका टाइम पीरियड भी अलग रहेगा। तो हर 12 घंटे बाद मैं देखिए इसको बढ़ाते जा रहा हूँ, 72 घंटे जब हो जाएंगे तो इसको हम निकाल लेंगे और देखेंगे कि हमारी जो गोली है वो पकी है या नहीं। अभी देखिए रात का समय है, इसको मैं लाइट बंद करके आपको दिखाता हूँ कि ये अंदर से हीटिंग मेंटल पूरा एकदम लाल दिखता है, एकदम जैसे कि हम उपलों की आग देते हैं, तो उपले भी इसी तरह से एकदम हल्की सी आग दिखती है, वो एकदम तेज़ आग नहीं होती वो। ठीक है, तो मैंने लाइट ऑन कर दिया है, अभी हम इसका टेम्परेचर और बढ़ा देते हैं। रात का ही समय है, लाइट को ऑन करना पड़ रहा है, तो काफ़ी लंबा चौड़ा टाइम लगता है इसको, इसलिए जल्दबाजी नहीं कर सकते। हर 12 घंटे बाद इसका टेम्परेचर मैं बढ़ा रहा हूँ, इसे थोड़ा थोड़ा बढ़ाने का ये मकसद था कि जो अंदर जो चीज़ें होती है वो हल्की हल्की आग पे पकती है, फिर वो थोड़ा और मजबूत हो जाती है। देखिए रात का समय है, जैसे कि किसी को हम किसी के सर पे बोझा देंगे तो वो एकदम से अगर ज़्यादा देंगे तो वो बेसिकली बैठ जाएगा नीचे, या वो कुछ भी हो सकता है, इसको ट्रेन करना पड़ेगा, इसलिए थोड़ा 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 बढ़ाना होता है। तो देखिए सवेरे, फिर सवेरा हो गया, अब जो है इसको मैं डायरेक्ट कर देता हूँ, लास्ट में हमें इसको 12 घंटे और 12 घंटे मतलब अगले लास्ट जो 24 घंटे बचेंगे उसको थोड़ा आग और ज़्यादा तेज़ होना चाहिए, जो कि
अभी मैंने डायरेक्ट किया है, उसके ऊपर मैं कुछ रख देता हूँ ताकि जो हीटिंग है वो प्रॉपर मिले। ये देखिए पूरा लाल है अंदर से, लास्ट में इसके ऊपर मैंने ये एल्यूमिनियम के फॉइल का एक पतरा सा बना के इसके ऊपर रखा है। लास्ट 24 घंटे में जो डायरेक्ट होती है मशीन, डायरेक्ट किया था। टेम्परेचर भी काफ़ी ज़्यादा होगा इसका भी, देखिए 600 के ऊपर है, 620 के आसपास आ रहा था। तो ठीक है, अभी जो है वो टाइमिंग कंप्लीट हो चुकी है, अभी इसको बंद करेंगे और देख लेंगे कि हमारी जो गोलियाँ है वो किस तरह से पकी है या नहीं पकी है। इसको मैं निकाल लेता हूँ, ठीक है, इसको रख दिया बाजू में। ये काफ़ी हीट है, अभी भी गर्म है ये, तो इसको कर देते हैं बंद। मशीन को बंद कर दिया, अब इसको खुद से ठंडा होने के लिए थोड़ा देर रखेंगे, बाद में निकाल के इसकी एम सील निकाल के इसको देखेंगे अंदर गोलियाँ है भी कि नहीं है, क्या है। तो ये खुल गया, इसमें से कोई धुआं वगैरह नहीं आया था। अगर गोली होंगी तो फिर, अगर गोलियाँ अगर उसकी का हालत में होगी तो पक्की होंगी, एकदम अच्छे से पक्की होंगी। अगर गोलियाँ अगर हमारी यदि गायब हो गई हो तो फिर इसी दाब में वो शामिल हो गई होंगी, हो भी सकती है, क्योंकि कभी कभी कुछ टेम्परेचर भी ज़्यादा कम ज़्यादा होता है ना, तो भी ऐसा होता है। तो उसको निकाल लेते हैं, देख लेते हैं। तो ये मैं निकाल रहा हूँ फटाफट इसको थोड़ा, तो ये मटकी में काफ़ी बुरी तरह से चिटक गया पूरा, एकदम पेचकस से मैं निकाल रहा हूँ इसको। एक अंदर से एक गोला सा बन गया है ये, और कलर भी कुछ यहाँ पे अलग हो गया है। मेरे को लगता है गोलियाँ दाब में ही शामिल हो गई शायद, कुछ नहीं दिख रहा है इसमें, लेकिन जहाँ पे गोली रखी थी वहाँ पे ये जो कलर है वो अलग हो गया है थोड़ा, मट्टी इसकी लाल कलर की दिख रही है जैसे कि, और ये दाग है। ये गोला सा बना है, इसमें हमारी गोली थी, उसको तोड़ के देखते हैं कि क्या है, लेकिन इससे तो ऐसा लग रहा है कि गोली हमारी इसमें शामिल हो गई है दाब में, यहाँ तो कुछ नहीं बचा है। जहाँ पे गोली रखी थी तो वहाँ पे ये ऐसा इस तरह से कलर हो गया इसका लाल, और गोली इसी में शामिल हो गई हमारी, पारा जो है इसी में शामिल हो गया, और जितना पारे ने चांदी खाया था वही बचा है बस, वो भी भस्म के रूप में बचा है थोड़ा सा, और बाकी कुछ नहीं है। मेरे को लगता है यहाँ पे थोड़ा सा इसमें कुछ कमी पेशी रह गई है, कुछ समझ में नहीं आ रहा ऐसा क्यों हो गया। गोली हमारी बाहर तो धुआं बन के नहीं उड़ी कहीं भी, लेकिन दाब में ही शामिल होगी। तो मेरे ख्याल से एक बार इसको मैं टेम्परेचर का कम ज़्यादा हुआ होगा, या तो फिर कोई इसमें कमी पेशी रही होगी। ये अभी एक जो दूसरी हमने रखी थी नीले तोते की, वो देख लेते हैं, वो अभी ये गई तो वो भी नहीं रही होंगी, क्योंकि सब इसी में शामिल होगा ऐसा लग रहा है मुझे। ये देखिए यहाँ पर थोड़ा सा ये चिटका हुआ है पपड़ी बन के, लेकिन धुआं तो कहीं से नहीं आया, धुआं तो कहीं से भी नहीं दिखा था। इसको मैं तोड़ के देख पाऊँ अंदर जो है वो हमने गोली रखी थी नीले तोते की, वो है कि चली गई। चांदी की तो इससे में शामिल हो गई, पता नहीं अब नीले तोते की क्या होता है। तो दोस्तों ये भी पूरा का पूरा इसी में शामिल हो गया, लेकिन इसका कलर जो है जहाँ पे पारा पूरा अपना लाल कलर में हो गया है यहाँ पे दाब में, और पता नहीं कैसे इसमें कुछ कमी पेशी रहेगी। आप लोग मुझे कमेंट कीजिए कि इसमें क्या कमी है, आगे इसमें हम सुधार करेंगे और उसका भी वीडियो बनाऊंगा। बाकी ये रिज़ल्ट आया है इसमें, आप लोग देखिए कमेंट कीजिए, मिलते हैं अगली वीडियो में।